नमस्कार दोस्तों, मैं सोम्यूल रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है जब आप लोग कमेंट कर रहे हो एंड यू गाइज आर रियली लाइकिंग द सीरीज ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए बनाया। थोड़ा लेट बनाया लेकिन बनाया ज़रूर, एंड आई रियली सी दैट यू गाइज आर अप्रिशिएटिंग इट। रियली थैंक यू ऑल फॉर द सपोर्ट यू गाइज हैव शोन मी एंड फॉर द लव यू गाइज हैव शोन मी, आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और एक VIP स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा। बहुत कोई VIP स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं एंड दे वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट इट। आप लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हो जब आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तब, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ऐसा VIP स्ट्रैटेजी मैं दिखाऊं, मैं डेमोन्स्ट्रेट करूं, जो कि एज ए नॉन VIP ट्रेडर, अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आप भी ये सीख सको एंड यू ऑल्सो हैव एक्सेस टू ऑल दोज इंडिकेटर्स और सेट ऑफ इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स विच आर बींग यूज इन दिस वेरी VIP स्ट्रैटेजी विच वी कॉल्ड एज पीकॉक। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हो मेरे चार्ट पे zigzag, parabolic star एंड aron oscillator। ठीक है, तो मैं ये सबको हटा देता हूँ और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग पीकॉक इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी VIP स्ट्रैटेजी को लेके आओगे। सबसे पहले ये सब तो ऑलरेडी आप लोगों के चार्ट्स पे हैं, मतलब आप लोगों के ट्रेडिंग जो इंडिकेटर टैब है इंडिकेटर पे है। नीचे चले जाना है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे, स्ट्रैटेजीज पे आप जाओगे तो माउंटेन स्ट्रीम और रोडियो के बीचों बीच है पीकॉक और यहाँ पे यूज हो रहा है तीन इंडिकेटर, पैराबोलिक स्टार, ज़िगज़ैग एंड एरोन। ठीक है, तो इसको हम लोग लेके आएंगे अपने चार्ट पे। ये रहा चार्ट पे सेट हो गया एरोन इंडिकेटर, पैराबोलिक स्टार एंड ज़िगज़ैग। पैराबोलिक स्टार में आप लोग पीरियड वैल्यू रखिए 0.02, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। ज़िगज़ैग में डेप्थ रखिए 10, डिविएशन रखिए 5, दैट इज इनफ मेरे हिसाब से। ठीक है, और एरोन को भी कुछ चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एरोन अप जो है उसको ग्रीन कर दीजिए, एरोन डाउन जो है उसको रेड कर दीजिए, जो कि आपको बाद में हेल्प हो सकता है जब आप इंडिकेशन या ट्रेंड स्पॉट कर रहे हो तब। ठीक है, अभी इसके बाद अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कैंडलस्टिक टाइमिंग है वो 1 मिनट होना चाहिए और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो ये दिमाग में रखिए कि कोई भी न्यूज़, कोई भी दुनिया में कोई बड़े लीडर, कोई बड़े देश विच आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट लाइक UK, कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स और द यूरोपियन यूनियन, अगर कोई न्यूज़ आ रहा है देन आई विल suggest you guys to refrain using this very strategy। ठीक है, ये यूज मत कीजिए। और जो ट्रेड टाइमिंग है, ट्रेड टाइमिंग को आप 3 मिनट से लेके करीब करीब 6 से 7 मिनट तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग जानते हो कि पैराबोलिक स्टार कैसे यूज होता है, कैसे इंडिकेशन जनरेट किया जाता है, आप लोग ये भी जानते हो कि एरोन इंडिकेटर को कैसे यूज किया जाता है, कैसे जेनरेट किया जाता है इंडिकेशन। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ओपन किया, 3 मिनट का ट्रेड टाइम, $50 का इन्वेस्टमेंट। अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग ज़िगज़ैग, पैराबोलिक स्टार एंड एरोन इंडिकेटर को साथ में यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। 3 मिनट का ट्रेड टाइम मैंने इसीलिए लिया कि थोड़ा देर हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे कि टाइमिंग के साथ साथ इंडिकेटर कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जानते ही होंगे, पहले भी वीडियोस बनाया हूँ, कि जब पैराबोलिक स्टार ऊपर से नीचे की तरफ डॉट्स फॉर्म हो रहा है मींस देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड, जो कि अभी है। जब पैराबोलिक स्टार नीचे से ऊपर की तरफ डॉट्स फॉर्म हो रहा है मतलब तब अपवर्ड ट्रेंड है।
मतलब आपको अपवर्ड ट्रेड ओपन करना है। एरोन इंडिकेटर, जब एरोन डाउन 100 से 70 के बीच में फ्लोट कर रहा है, मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड पूरा मार्केट में है, मार्केट बेयरिश है। और जब एरोन अप 30 से लेके 0 के बीच में रहता है, तब आपको ये समझना है कि यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड है। और जब एरोन डाउन रहेगा 30 से 0 के बीच और एरोन अप रहेगा 70 से 100 के बीच, तब आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी जो है ट्रेंड अपवर्ड मूविंग है। तो अभी फिलहाल आप लोग देख रहे हो कि ट्रेंड डाउनवर्ड है, मैंने जीबीपी यूएसडी पे ट्रेड ओपन किया है। 3 मिनट का ट्रेड टाइमिंग है, 1 मिनट 20 सेकंड बचा हुआ है, 23 सेकंड, $20 का अभी सेल प्राइस है। जीबीपी यूएसडी अभी मैं देख लूँगा, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी में क्या हो रहा है ये भी देखना ज़रूरी है। यूरो यूएसडी पे हम लोग 2 मिनट का ट्रेड ले सकते हैं, और मैंने 2 मिनट का एक ट्रेड ओपन किया ये देखते हुए कि जिगजैग अपवर्ड मूविंग दिखा रहा है, ट्रेंड अपवर्ड है, ट्रेंड बुलिश है, पैराबोलिक्स आर अपवर्ड मूविंग एंड द कर्व इज़ वेरी गुड फॉर अपवर्ड मूवमेंट, उसीलिए मैंने पैराबोलिक्स आर का भी इंडिकेशन लिया। एरोन अप एकदम 100 से 70 के बीच में है, एंड एरोन डाउन जो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, अभी 50 और 70, 70 को बेसिकली टच करके है बट पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसीलिए रिस्क लिया क्योंकि ऑलरेडी एरोन अप मुझे अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, और एरोन और पैराबोलिक सार भी मुझे अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, तो हो सकता है थोड़ा देर बाद एरोन डाउन यहाँ से डाउन आ जाए एंड वी विल हैव ए गुड प्रॉफिटिंग ट्रेड। तो ये सब जो सिस्टम है, ये सब सिस्टम आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे और आप ये समझोगे कि इंडिकेशन यहाँ पे क्या आ रहा है। 49 सेकेंड्स का टाइम बचा हुआ है यूरो यूएसडी जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, यूरो यूएसडी करेंसी पेयर पे। पहला जो ट्रेड था जीबीपी यूएसडी, 3 मिनट का ट्रेड टाइम था, $50 का इन्वेस्टमेंट था जो कि हम लोगों को लॉस हुआ, लेकिन अभी मैं $100 का एक इन्वेस्टमेंट किया था दूसरा ट्रेड पे, 2 मिनट का ट्रेड टाइम था, यूरो यूएसडी पे था, और आप लोग देख रहे हो कि एरोन डाउन जो है स्लोली स्लोली नीचे के तरफ बेंड हो रहा है। इसका मतलब यह है कि एरोन अप या बुलिश ट्रेंड मार्केट पे अभी रहेगा, एंड एरोन डाउन जो बियरिश ट्रेंड है विल बी इन कंट्रोल। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग और एक ट्रेड, 2 मिनट का $50 का एक ट्रेड मैंने ओपन किया है, एरोन इंडिकेटर पैराबोलिक सार एंड जिगजैग इंडिकेटर को यूज करते हुए, जिसको कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं पीकॉक स्ट्रेटजी, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, अभी भी टाइम है, अभी जो फ्लक्चुएशन आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग देखी देख ही रहे हैं कि थोड़ा बहुत चार्ट अभी यहाँ से फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन इसके लिए वेट करना ज़रूरी है। $50 का मैंने ट्रेड ओपन किया था, $26 या $28 का अभी भी सेल प्राइस है। पुराना जो लॉस था वो लॉस हम लोगों ने रिकवर किया है, और उसके ऊपर अभी भी अगर देखेंगे तो हम लोग के पास करीब करीब $32 का यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन चिंता का विषय है कि यूरो यूएसडी पे 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, और हमारे पास यहाँ पे चार्ट जो है डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। 1950 का यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सेल प्राइस 1950 24, और यहाँ पे मैंने 25 पे सेल किया क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे हम लोग को लॉस हो सकता है, बट आप लोग देख रहे हो कि चार्ट जो है चार्ट ऊपर के तरफ जा रहा है। एंड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ओपन अ ट्रेड हियर, $185, 2 मिनट ट्रेड टाइम, यूरो यूएसडी पे मैं ट्रेड ओपन किया हूँ। पिछला ट्रेड को मैंने $25 में सेल किया, प्रीमेच्योरली, मैंने वेट नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे हम लोगों को लॉस हो सकता है, लेकिन मैंने और बड़ा रिस्क लिया कि पुराना लॉसेस को भी रिकवर कर पाएँ, और जो ट्रेंड है
ट्रेंड को पकड़ने का मैंने कोशिश किया, 2 मिनट का ट्रेड टाइम लिया और $185 का एक इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे किया है। आप लोग देख रहे हो पैराबोलिक सार अपवर्ड मूविंग है, जो एरोन डाउन है वो 50 के नीचे बेस कर रहा है और एरोन अप जो है स्टिल इज ऑन द होराइजन और स्टिल इज फ्लोटिंग इन बिटवीन 170। तो हम लोग ये आशा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को अभी भी टाइम मिलेगा, अभी भी वी हैव सम टाइम एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम बेटर रिजल्ट्स। लेकिन और एक चीज़ मैं बता दूं कि बेटर रिजल्ट्स आप तभी एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप सिस्टम को अच्छा से समझ पाओ। तब सिस्टम मतलब मैं ट्रेडिंग सिस्टम बोल रहा हूँ, जिसमें इंडिकेटर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व हैं, जिसमें टाइम फ्रेम इन्वॉल्व है, जिसमें मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड एनालिसिस, बहुत कुछ इन्वॉल्व है। ये अगर आप सही से सीख सको, आप अगर टाइम देके इसके पीछे अगर आप टाइम दे सकते हो एंड यू कैन रिलीजियसली स्पेंड सम टाइम बिहाइंड लर्निंग द सिस्टम, आई एम श्योर कि एक टाइम बाद आपको ये लगेगा कि यू हैव इम्प्रूव्ड, योर लेवल ऑफ नॉलेज हैज़ इम्प्रूव्ड, योर कैपेसिटी ऑफ प्रेडिक्टिंग द चार्ट, योर कैपेसिटी of forecasting, your capacity of investment management, your capacity of time management, everything altogether has probably improved. लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस का ज़रूरत है, इसके लिए मेहनत का ज़रूरत है। एवरी डे इफ़ यू प्लान 1 आवर ऑफ योर टाइम आफ्टर योर जॉब, आफ्टर योर बिजनेस, आफ्टर योर फैमिली टाइमिंग्स, वट एवर, अगर आप कर सकते हो एंड आई एम श्योर कि आप बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग जो है इज बेसिकली साइंस, ट्रेडिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच सम पीपल फील लाइक ये तो बकवास है, ये तो गैम्बलिंग जैसा, बट दिस इज नॉट, इफ यू लर्न इट यू विल अंडरस्टैंड, बट फॉर अदर्स इट इज जस्ट अप एंड डाउन। दिस इज वॉट आई से टू यू गाइज बिकॉज यू गाइज आर फॉलोइंग मी, आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल, आप लोग पसंद कर रहे हो, यू गाइज आर होपफुली लर्निंग एंड होपफुली यू गाइज आर ऑल्सो अर्निंग एट द सेम टाइम। तो मेरा ये आप लोगों से सजेशन है, गिव इट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन अफोर्ड टू लर्न अबाउट ट्रेडिंग, गिव इट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यू कैन, पेशेंस बरकरार रखिए, धीरज रखिए एंड यू विल लर्न। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह रहा हम लोगों का VIP स्ट्रेटजी डेमोन्स्ट्रेशन, पीकॉक यूजिंग ज़िगज़ैग, पैराबोलिक सार, एरोन इंडिकेटर, एंड आई होप यू गाइज विल यूज़ दिस, यू गाइज विल प्रैक्टिस इट इन डेमो, और जो भी आप लोगों का फाइंडिंग्स है इस इंडिकेटर, इस स्ट्रेटजी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना मत भूलना। सीखो ट्रेडिंग ग्रुप जो मेरा ओपन ग्रुप है, फ्री ग्रुप है, ज्वाइन करना मत भूलिए। यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आउट देयर एवरी डे एवरी आवर। तो बी विथ, आई मीन पूरा का पूरा जो आपको चाहिए एवरीथिंग इज देयर इन सीखो ट्रेडिंग ग्रुप एंड ऑल द वीडियोज विच आई मेक इज जस्ट फॉर यू गाइज, कि आप लोग थोड़ा सरल भाषा में थोड़ा इजीली सीख सको। सो एवरीथिंग व्हाट यू वांट इज एट योर डिस्पोजल, द ओनली थिंग यू नीड टू फोकस नाउ इज टाइम मैनेजमेंट, लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन एंड लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।